नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों को नॉन शॉर्ट के एक नए एपिसोड में। दोस्तों, YouTube अपने एल्गोरिथम को कंटिन्यूअसली चेंज करता रहता है एंड इसके पीछे YouTube का दो ही मेन मोटिव होता है। सबसे पहला है कि व्यूअर्स को मोस्ट रिलेवेंट या फिर मोस्ट यूजफुल कंटेंट दिखाना एंड दूसरा है कि ज्यादा व्यूअर्स को ज्यादा समय के लिए अपने प्लेटफॉर्म में एंगेज रखना। इसी दो मोटिव के ऊपर बेस करके YouTube अपने एल्गोरिथम को चेंज करता रहता है। इसीलिए हो सकता है कि 2018 में जो एल्गोरिथम के चेंजेस एप्लीकेबल थे वो आज के डेट में एप्लीकेबल नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे जरूरी इन्फॉर्मेशन जो आपको एज ए कंटेंट क्रिएटर जानना बहुत जरूरी है एंड जिसको डेफिनेटली आपके कंटेंट्स में आपको यूज करना चाहिए। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखें ताकि इन चेंजेस को आप जान पाए एंड डेफिनेटली आपके कंटेंट्स में आप यूज कर पाए। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, सबसे पहला इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि YouTube एक वीडियो के हर एक क्लिक को इक्वली ट्रीट नहीं करता है। YouTube वीडियोस के क्लिक को दो तरह से ट्रीट करता है, या तो शॉर्ट क्लिक या फिर लॉन्ग क्लिक। अगर मैं शॉर्ट क्लिक के बारे में बात करूं तो एक क्लिक में अगर एक वीडियो को 8 सेकंड से कम देखा गया है तो उसको बोला जाएगा शॉर्ट क्लिक। वही अगर उस वीडियो को 2 मिनट से ज्यादा देखा गया है तो उसको बोला जाएगा लॉन्ग क्लिक। अगर एक वीडियो में शॉर्ट क्लिक आता है तो YouTube उसको इस तरह से ट्रीट करता है कि जो व्यूअर है वो उस कंटेंट के साथ सेटिस्फाई नहीं है या फिर वैसा कंटेंट वो देखना नहीं चाहता है। इसीलिए उस तरह का कंटेंट YouTube उस व्यूअर को नहीं दिखाएगा या फिर उस व्यूअर का जो होम पेज है उसमें वो प्रमोट नहीं करेगा। वही अगर उसमें लॉन्ग क्लिक आता है तो YouTube ट्रीट करता है कि जो व्यूअर है वो उस कंटेंट के साथ सेटिस्फाई है या फिर वैसा कंटेंट देखना चाहता है, इसीलिए वैसा कंटेंट YouTube उस व्यूअर को दिखाएगा या फिर उनके होम पेज में YouTube प्रमोट करेगा। अभी हम लोगों के पास चैलेंज आता है कि कैसे आप अपने शॉर्ट क्लिक्स को लॉन्ग क्लिक्स में कन्वर्ट करें। इसके लिए आप बहुत सारे टेक्निक्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप अपने कंटेंट्स का जो स्टोरी टेलिंग है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप सही स्टोरी टेलिंग का यूज करोगे तो व्यूअर्स जो है वो आपके कंटेंट के साथ एंगेज रहेंगे और इसीलिए आपका जो शॉर्ट क्लिक होगा उसका लेवल कम हो जाएगा धीरे धीरे एंड लॉन्ग क्लिक का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप टेक्निकल वीडियोस बना रहे हो या फिर कोई इन्फॉर्मेशन देने वाले वीडियोस बना रहे हो तो आप देखें कि उसमें सबसे रिलेवेंट या फिर सबसे यूजफुल जो पोर्शन कौन सा है। वैसे कंटेंट को आप कंटेंट बनाते समय पहले उसको यूज कर सकते हो ताकि जब भी कोई व्यूअर आपके वीडियोज में क्लिक करेगा तो उसको वो सबसे जो इंपॉर्टेंट या फिर इंटरेस्टिंग पोर्शन है वो दिखाई देगा और वो आपके कंटेंट के साथ स्टिक रहेंगे। इसी तरह से आप अलग अलग टेक्निक्स यूज कर सकते हो। आप अपना एडिटिंग लेवल बढ़ा सकते हो, साउंड क्वालिटी अच्छा कर सकते हो, लाइटिंग इंप्रूवमेंट कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस आप करके आपके जो शॉर्ट क्लिक्स हैं उसको आप लॉन्ग क्लिक्स में कन्वर्ट कर सकते हो। दूसरा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में अगर बात करूं तो वो है वीडियो का मेटाडेटा। अगर एक वीडियो के मेटाडेटा के बारे में बात करें तो बात होती है उस वीडियो के टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड टैग्स के बारे में। दोस्तों, YouTube में हर एक मिनट में अराउंड 400 आवर्स का वीडियोस अपलोड होता है, तो किसी एक ह्यूमन के लिए पॉसिबल नहीं है कि हर एक वीडियो को देखे एंड देख के उसको सेग्रीगेट करें। इसीलिए इस सेग्रीगेशन के लिए YouTube एल्गोरिथम का यूज करता है एंड एल्गोरिथम एक वीडियो के मेटाडेटा के ऊपर बेस करके उस वीडियो को क्लासीफाई करता है। तो इसीलिए आप अपने मेटाडेटा को, मतलब टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड टैग्स को अपने कंटेंट के साथ जितना ज्यादा रिलेवेंट रखोगे उतने ही सही तरह से आपके वीडियो का क्लासिफिकेशन होगा और उसी तरह से सही व्यूअर्स को YouTube जो है आपके वीडियोस को सजेस्ट कर पाएगा। अगर आप सही तरह से अपने टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड टैग्स का यूज नहीं करोगे तो हो सकता है कि क्लासिफिकेशन सही तरह से नहीं हुआ है, इसीलिए हो सकता है कि YouTube आपके कंटेंट्स को ऐसे किसी व्यूअर्स को दिखा रहा है जो कि उस कंटेंट में इंटरेस्टेड नहीं है, जिसके कारण आपके वीडियोस में शॉर्ट क्लिक्स बढ़ जाएंगे और YouTube उस वीडियो को प्रमोट नहीं करेगा। इसीलिए एक वीडियो का टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड टैग्स सही से लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक रिसेंट रिसर्च में पाया गया है कि टाइटल्स जो है जनरली उसमें 50 कैरेक्टर से लेस कैरेक्टर्स का यूज करना चाहिए एंड ऐसे टाइटल को यूट्यूब ज्यादा प्रिफर करता है। उसी तरह से डिस्क्रिप्शन जो है वीडियो का वो 50 से 150 वर्ड्स का होना चाहिए एंड टैग्स में सिंगल वर्डेड टैग्स यूज करने के जगह आप 2-3 वर्ड्स का टैग यूज करें। ऐसे करने से आपका वीडियो ज़रा ऑप्टिमाइज होगा एंड उसके हाई रैंकिंग से प्रोबेबिलिटीज बढ़ जाएंगे। थर्ड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है एक वीडियो के ड्यूरेशन के ऊपर। रिसर्च में ये पाया गया है कि किसी एक वीडियो का ड्यूरेशन अगर 2 मिनट से कम हो तो वैसे वीडियोज का रैंकिंग काफी खराब होता है एंड वही अगर वीडियोज का ड्यूरेशन 2 मिनट से 20 मिनट के अंदर हो तो वैसे वीडियोज का रैंकिंग काफी अच्छा होता है। तो इसीलिए आप अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहे हो तो आप ट्राई करो कि उस कंटेंट को आप मिनिमम 5 मिनट या उससे लंबा करो, लेकिन ध्यान रखें कि जो आपका कंटेंट हो वो एंगेजिंग हो और एंगेज करने के लिए आप अलग अलग टेक्निक्स, जैसे कि मैंने अभी बताया, स्टोरी टेलिंग या फिर
अच्छी एडिटिंग, लाइटिंग, इस तरह का अलग अलग टेक्निक्स यूज कर सकते हो जिससे कि आपका कंटेंट इंटरेस्टिंग हो एंड व्यूअर्स उसके साथ एंगेज हो। अदरवाइज आप अगर बिना कंटेंट के, बिना क्वालिटी के आप वीडियो को थोड़ा लंबा रखोगे तो वही बात हो जाएगा जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि वो उसमें शॉर्ट क्लिक्स का लेवल बढ़ जाएगा जिसके कारण यूट्यूब उसको प्रमोट नहीं करेगा। फोर्थ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है फ्रेशनेस बूस्ट। मतलब कि लेट्स से किसी एक कंटेंट क्रिएटर ने एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर 2018 में वीडियो बनाया है एंड उसी टॉपिक के ऊपर आपने 2019 में वीडियो बनाया है तो YouTube क्या करेगा, आपका जो कंटेंट क्योंकि ये नया है तो उसको ज़्यादा प्रमोट करेगा। इसका रीजन यही है कि अगर नया वीडियो होता है तो YouTube कंसिडर करता है कि उस वीडियो में अपडेटेड इन्फॉर्मेशन होगा और इसीलिए वो व्यूअर्स को उस वीडियो को ज़्यादा प्रमोट करता है। उसका बेनिफिट उठाने के लिए आपका जो अपलोडिंग फ्रीक्वेंसी है उसको आपको बढ़ाना होगा ताकि जो फ्रेशनेस बूस्ट का बेनिफिट है वो आप उठा पाए। लेकिन बात वही आता है कि आपको कंटेंट का फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के चक्कर में क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। अगर आप अच्छे क्वालिटी के साथ, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ अपलोड कर पा रहे हो देन वेल एंड गुड, अदरवाइज आपको अच्छे क्वालिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। फिफ्थ एंड मेरा लास्ट इन्फॉर्मेशन है कि गूगल एंड यूट्यूब ये सारे प्लेटफॉर्म व्यूअर्स जो है अलग अलग टाइप के क्वेरीज सर्च करने के लिए यूज़ करते हैं एंड ये देखा गया है कि गूगल में अभी भी 15 टाइम यूट्यूब से ज़्यादा सर्च होता है एंड बहुत सारे आपने देखा होगा किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक में अगर आपने गूगल में सर्च किया है तो उसमें भी यूट्यूब वीडियोज़ को सजेस्ट किया जाता है। तो आपके वीडियोज़ को गूगल सर्च में लाने के लिए आपको क्या करना होगा, आप अगर किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहे हो तो उसको अगर आपने टाइटल में यूज़ किया है तो उसका आंसर जो होगा डायरेक्टली आपको डिस्क्रिप्शन में लिखना होगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि डिस्क्रिप्शन में पहले लिखते हैं कि प्लीज सब्सक्राइब एंड देन कुछ अलग अलग चीजें लिख देते हैं एंड उसके बाद वीडियोस के बारे में लिखते हैं। वैसा करने से आपका जो वीडियो है वो गूगल के रैंकिंग में नहीं आएगा। इसीलिए आप अगर किसी ट्यूटोरियल वीडियोस या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाले वीडियोस बना रहे हो तो आप ट्राई करें कि अगर उसको आप टाइटल में यूज कर रहे हो तो उसका आंसर आप डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में लिखें ताकि आपका वीडियो ऑप्टिमाइज हो एंड वो गूगल सर्च के रैंकिंग में आ पाए। तो आशा करता हूँ कि यूट्यूब एल्गोरिथम के ऊपर ये कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी, ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आज के लिए बस इतना ही और मैं मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ मेरे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय बाय।